सो गाइस, कैसे हो आप सब। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अभी अपडेट निकल के आई है और ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है, बिकॉज टीम इंडिया को मिल चुका है एक ऐसा प्लेयर जो कि हार्दिक पांड्या की कमी को पूरा कर सकता है। और दोस्तों, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि नाम सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा शौक में आने वाले हैं और इस प्लेयर का रिटर्न जो है पूरे 5 साल बाद हमें टीम इंडिया में होता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्तों, देर नहीं करते हैं और बात कर लेते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम है ऋषि धवन। अब दोस्तों, ऋषि धवन को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। 2016 में दोस्तों इन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था, जहाँ पे दोस्तों टीम इंडिया के लिए इन्होंने 3 ODI में रिप्रेजेंट किया था और एक T20 इंटरनेशनल में भी रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इन्होंने IPL में शिरकत की है, जहाँ पे इन्होंने फ्रेंचाइजी में बात करें तो मुंबई को भी रिप्रेजेंट किया है, किंग्स इलेवन पंजाब को भी रिप्रेजेंट किया है। बट दोस्तों, फिर क्या हुआ ऐसा जिसके बाद हमें ये ऋषि धवन कभी देखने को नहीं मिला, IPL में भी देखने को नहीं मिले और ना ही दोस्तों टीम इंडिया के लिए देखने को मिले। अब इसका सीधा सा आंसर ये है दोस्तों कि जब से हार्दिक पांड्या आ गए तब से टीम इंडिया में इन्हें मौका नहीं मिला। उसके बाद हमें विजय शंकर भी देखने को मिले थे, बट ऋषि धवन का नाम दूर दूर तक नहीं था। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए। अभी पिछले साल हमें विजय हजारे ट्रॉफी देखने को मिला था, 2021 का जो सेशन था वहाँ पे दोस्तों ये हिमाचल टीम के कैप्टन थे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या की, बैटिंग करते हुए परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा दिया है, 458 रन सिर्फ 8 मैचों में बना दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, 8 मैचेस में 458 रन बनाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, 17 विकेट भी लिए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे हिमाचल टीम की कप्तानी भी करते हुए नजर आए थे हमें, जिसके बाद दोस्तों ये टीम जो है विजय हजारे 2021 में चैंपियन बनती हुई नजर आई। तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने निकल के आई है। और इसके बाद ये अब खबर निकल के आ रही कि BCCI जो है इन्हें कंसिडर कर रही है वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए। और अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज़ टूर में इन्हें मौका नहीं मिलता है और इसके बाद जो सीरीज़ होती है उसमें भी चांसेस है कि इन्हें मौका मिलता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ऑल दो पॉसिबिलिटी स्टिल यहाँ पर ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या अगर फिट हो जाते हैं IPL के सीज़न में तो हो सकता है उन्हें रिकन्सिडर किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ टीम इंडिया जो है इस ऑप्शन को भी लेके चल रही है। हो सकता है दोस्तों हमें ऋषि धवन जो है इस ODI सीरीज, मतलब जो कि हमें वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध देखने को मिलने वाली है, वहीं पे हमें खेलते हुए नजर आए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। और अगर आप ऋषि धवन के फैन हो, अगर आप उन्हें बहुत टाइम पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है, जस्ट बिकॉज एक प्लेयर का 5 साल बाद जो है हम वापसी करते हुए देख सकते हैं इंडियन टीम में, इंडियन कलर्स में, उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई टीम इंडिया और इंडियन फैंस के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए दोस्तों तो ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।